हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड मूड ओरिजिनल। आज हम बना रहे हैं एक बार फिर सुपर हिट मैक्सिकन रेसिपी केसडियाज, लेकिन इस बार विद अ हेल्थी ट्विस्ट, क्योंकि हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट वर्जन ऑफ केसडियाज। हम इसे तीन डिफरेंट इजी वेज में बनाएंगे और उसी मैजिक टोर्टिया ब्रेड के साथ जिसकी रेसिपी मैंने लेटली आपके साथ शेयर की है। एंड आई लिंक टू दैट टोर्टिया ब्रेड रेसिपी इन डिस्क्रिप्शन। आप उसी इजी रेसिपी को फॉलो करें या इवन स्टोर बाट टोर्टियाज यूज करें। एंड अ गुड थिंग इट्स अ वन पैन ब्रेकफास्ट रेसिपी विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स। सो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द इजीएस्ट वन, एग केसडिया। मैंने लिया है एक पैन, उसको बटर से ग्रीस किया है और टोर्टिया ब्रेड उसमें रख दी है। यहाँ इस पे मैं दो एग्स डालूंगी और सीजन करूंगी विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड पेपर। और इसको हम फोर्क से मिक्स कर लेते हैं, जस्ट स्वर्लिंग अराउंड। ओके, अब मैं डालूंगी चॉप किया हुआ एक टेबलस्पून पार्सली, ना हो तो आप धनिया यूज कर सकते हैं। नाउ एडिंग सम चीज, मेरे पास है मोज़रेला और चेडर चीज, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसे ऐड कर लें। अब हम इस पर अपना दूसरा टोर्टिया भी रख देंगे और थोड़ा सा अंडे को सेट होने देंगे। एंड मेक श्योर आपने थ्रू आउट फ्लेम अपना लो रखना है। हम 3 से 4 मिनट के बाद इसके साइड फ्लिप करेंगे जब एग सेट हो जाएगा और चीज़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। साइड पर बहुत अच्छा कलर आया है, अब हम दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट बहुत लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। द एग केसडिया इज ऑल डन। नेक्स्ट हम बनाएंगे कीमा केसडिया और मिंस्ड मीट केसडिया। यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा कीमा, अबाउट 100 ग्राम्स, और उसको मैं सेम पैन में डाल रही हूँ, जस्ट रफली ब्रेकिंग इट अप। यहाँ कोई ऑयल नहीं यूज़ किया क्योंकि नेचुरली कीमे में अपना फैट होता है, और इसको हमने कुक करना है जब तक कि सारा मॉइस्चर इसका ड्राई हो जाए और कीमा जो है कुक हो जाए। कीमा हमारा हल्का सा क्रिस्पी वे में डन हो गया है। कीपिंग असाइड, सेम पैन को हम बटर से ग्रीस करेंगे और इसमें 2 एग्स बीट किए हुए डालेंगे और इसको सीजन करेंगे विद सम पेपर एंड सॉल्ट, और चीज़ ऐड करेंगे मोज़रेला, चेडर, जो भी आपकी चॉइस हो चीज़ में। अब लेंगे एक टोर्टिया ब्रेड और उसको चीज़ के ऊपर रख देंगे, स्लाइटली प्रेसिंग डाउन सो दैट जब चीज़ मेल्ट हो तो उसके साथ ये नाइसली एडहियर करे टोर्टिया। इस साइड पे भी थोड़ा बटर ग्रीस करेंगे और केयरफुली फ्लिप करेंगे। अगेन सम चीज़, कीपिंग द फ्लेम मीडियम लो, खास इसके मेल्ट होने से टोर्टिया बहुत अच्छी तरह से अटैच हो जाती है। अब हम इसके हाफ साइड पे ऐड करेंगे कुक्ड कीमा सो दैट हम इसको इजीली फोल्ड कर सकें, जस्ट लाइक दैट। नाइस सा कलर आ गया है एंड कीमा केसडिया इज ऑल डन। मूविंग ऑन, चिकन गार्लिक केसडिया। यहाँ मेरे पास हैं 2 बीटन एग्स, मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक ऐड करूँगी जस्ट अ पिंच, और गार्लिक पाउडर है 1/4 टीस्पून। आपके पास गार्लिक पाउडर ना भी हो तो आप 1 लहसुन का क्लोव मैश करके इसमें ऐड कर लें। ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चिकन, इसको नाइसली मिक्स किया और सेम पैन में हम अपनी एक टोर्टिया को रीहीट करेंगे और उसमें अपना एग चिकन मिक्सचर हाफ साइड पर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पार्सली 1 टीस्पून मैंने उस पर स्प्रिंकल किया है और पार्मेजान चीज़ उस पर डाला है। फोल्डिंग इट ओवर, थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए, एग सेट हो जाए, साइड हम इसकी फ्लिप करेंगे, नाइस सा कलर आने पर इसको रिमूव कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्लाइस एंड सर्व। इन नो टाइम हमारे हेल्थी ब्रेकफास्ट केसडियाज फुल ऑफ न्यूट्रिशन रेडी हो गए हैं, वो भी जस्ट एक पैन में, खास इट्स अ वन पैन रेसिपी। ये बहुत अच्छा रीहीट होते हैं, इसलिए आप इनको पहले से भी बना के रख सकते हैं अपनी बिजी मॉर्निंग्स के लिए। इसको मैंने सर्व किया है ऑथेंटिक मैक्सिकन साल्सा के साथ। इसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक ऐड करूंगी, आप वहां से इसको बनाएं। इसके अलावा आप फिका दी गायल और सावर क्रीम के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप ये ब्रेकफास्ट केसडिया जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। And please do subscribe. We'll see you next time. Bye.